भी खाने में नमक ज्यादा हो जाता है, सी आपकी आपके पत्नी के साथ बातचीत बिल्कुल बंद हो जाती है, यदि आपकी पत्नी आपको बड़े प्यार से खाना परोसती है, पूरा बातचीत बंद हो जाता है, बातचीत बंद हो जाता है। कैलाश जी, अगर आपको दुविधा हो तो लाइफलाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पे ढेर सारे मित्र है, आप किसी भी मित्र की सहायता ले सकते हैं, किसी की सहायता नहीं लेना है, लॉक कीजिए, लॉक किया जाए। चलिए कॉम्प्रोमाइज है, प्लीज लॉक सी। कैलाश जी, हमारे पास एक वीडियो है, जब भी आपकी आपके पति के साथ अनबन हो जाती है तो घर का माहौल जो बिगड़ जाता है, तो हमारे पास एक वीडियो क्लिप है, कह रहे हो तो वीडियो प्लीज। क्षमा कीजिए, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो जैसे हम आपको बता नहीं सकते भाई साहब। जी सर, क्या किया जाए, लॉक किया जाए, ऑप्शन सी लॉक। चलिए कॉम्प्रोमाइज है, प्लीज लॉक सी। कैलाश जी, हमने कहा था आपको कि कहीं भी आपको दुविधा हो तो आप लाइफ प्लान का इस्तेमाल कीजिएगा, आपने कोई लाइफ प्लान का इस्तेमाल नहीं किया, झट से जवाब दिया आपने ऑप्शन सी। कैलाश जी, अगर आपने कहा होता कि ऑप्शन ए तो गलत होता, अगर आपने कहा होता कि ऑप्शन बी तो भी गलत होता, लेकिन अगर आपने कहा होता कि ऑप्शन डी तो भी गलत होता, बिल्कुल सही जवाब लीजिए। अभी गए 7 करोड़। कैलाश जी, अभी रात के 12:15 बज चुके हैं, बैंक बंद हो चुका है, जैसे कल 11 बजेंगे आपके अकाउंट में 1 करोड़ की राशि आ जाएगी। ओके सर, क्या करेंगे 1 करोड़ का? 1 करोड़ का मैं अपना घर व्हाट्सएप बनाऊंगा। अच्छा, और ये जो पब्लिक है उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए कुछ भी करूंगा, कुछ भी करेंगे। भाई साहब, एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। जी जी जी, बिल्कुल, कल 11 बजे उनके पास राशि आ जाएगी, उसके बाद वो तय करेंगे कि आपको पार्टी देनी है तो किस तरह से पार्टी देनी है वो आप चाहो सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपके घर में कभी भी बर्तन की बारिश ना हो, कभी भी अनबन ना हो, हमेशा आपको स्वादिष्ट भोजन मिले। दुर्गा माँ के चरणों में हम ये प्रार्थना करते हैं, और आप हमेशा खुश रहे, स्वस्थ रहे और मस्त रहे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू जी। कैसा लग रहा है देवी सज्जनों, केबीसी लग रहा है आपको? अभी केबीसी हो गया, जीत गए, ये करोड़पति बन गए हैं, तो अभी धमाका होना चाहिए, होना चाहिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जी बिल्कुल होगा भाई साहब, थोड़ा सा थोड़ी सी समझ लीजिए। यहाँ पे लाइट्स नहीं है क्या? यहाँ पीछे जो ऑर्केस्ट्रा में बैठे वहाँ पे लाइट लगा दीजिए, जाके हम देख सकते उनको, अगर लाइट है तो लगा दीजिए प्लीज। एक रंग भर से हो जाए भाई साहब, थोड़ा यहाँ पे रंगों का माहौल है और माँ दुर्गा का अवतार है। हम देखते हैं कि 9 दिनों में जितनी भी देवियाँ हैं, जितने भी हमारी महिला हैं, बहनें हैं, माताएं हैं, हर दिन नए नए कलर की साड़ी पहनती है, लाल है, हरी है, हर कलर का होता है, तो रंगों का बड़ा माहौल हो जाता है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर भी एक ऐसा ही माहौल बने, ताकि आपको एक होली का गीत हम यहाँ पे जब लेंगे तब आपको होली की याद आनी चाहिए। तो चलिए देवी और सज्जनों जी।